एएमयू और जामिया के हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए। आज के वीडियो में मैं आपके सामने इंडो इस्लामिक के 20 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी सर सैयद अहमद खान के ऊपर ही है। मैंने पिछले क्लास में भी 10 सर सैयद अहमद खान पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे थे। तो कुल मिलाकर 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे और इसके अलावा लेक्चर अगर मेरा आपने सर सैयद अहमद खान पे नहीं सुना हो तो वो भी सुन लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप अब आपके सारे सवाल इससे हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। सर सैयद अहमद खान फर्स्ट बुक वाज, सर सैयद अहमद खान ने पहली किताब इनमें से कौन सी लिखी थी? सब तो उन्हीं की लिखी हुई बुक है, लेकिन पहली किताब जो उन्होंने लिखी थी वो थी जामे जम। ये कब लिखी थी? 1840 में, और काहे में लिखी थी? पर्शियन लैंग्वेज में। ये सब याद रखना होगा। पूछ सकता है कि सर सैयद अहमद खान ने जामे जम किस लैंग्वेज में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एएमयू, एएमयू का पहला वाइस चांसलर कौन था? एएमयू कब बनी थी? 1920 को। पहले वाइस चांसलर बनाए गए थे अली मोहम्मद खान। ऑप्शन में मिल सकता है राजा महमूदाबाद, ये महमूदाबाद के राजा थे, तो नाम में ये भी मिल सकता है कि राजा अली मोहम्मद खान ऑफ महमूदाबाद या राजा ऑफ महमूदाबाद भी हो सकता है। तो आप याद रखेगा अली मोहम्मद खान राजा ऑफ महमूदाबाद। नेक्स्ट देखिए, इन 1863 इन कलकत्ता द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी वाज फाउंडेड बाई, किसने फाउंड किया था कलकत्ता में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी को? यह भी सर सैयद अहमद खान ने ही फाउंड किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु सेड कुरान मस्ट बी वन हैंड एंड साइंस इन द अदर, किसने ये कोटेशन कहा था कि कुरान एक हाथ में होगा और साइंस दूसरे हाथ में? ये कोटेशन भी सर सैयद अहमद खान का है। इन्होंने कहा था कि, यानी कि जब उन्होंने मदरसा बनाया था तो ये उन्होंने कहा था कि यहां से जब वो स्टूडेंट बन पढ़ के जो निकले तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे हो कि एक हाथ में उनका कुरान हो और एक हाथ में साइंस हो और सर पे ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज। हु स्टार्टेड साइंटिफिक सोसाइटी, के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूं। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में कायम की थी। पहले कहां? गाजीपुर, उसके बाद अलीगढ़, उनका ट्रांसफर हो गया तो फिर अलीगढ़ में शिफ्ट कर गए। अगर ऑप्शन में 1864 ना हो, अगर 63 हो तो 63 पे भी आप टिक करेंगे, 64 अगर ना हो तब। इसमें कंट्रोवर्सी इसमें मिलती है, दो डेट मिलते हैं, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो, अगर एक ऑप्शन होगा तो दूसरा नहीं होगा। अगर अगर ऑप्शन में ये आएगा कि व्हेन साइंटिफिक सोसाइटी, व्हेन वाज साइंटिफिक सोसाइटी एस्टैब्लिश, तब क्या होगा आपका आंसर? आंसर में अगर ऑप्शन में 64 होगा तो 64 पे लगाइएगा, अगर नहीं होगा 63 होगा तो फिर 63 पे आप लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एमएओ कॉलेज, का पहला प्रिंसिपल जब कॉलेज कब बनी थी? 1877 में पहला प्रिंसिपल एजी सिडन, जिसे सर सैयद अहमद खान ने इंग्लैंड से बुलाकर नौकरी दी थी, ये इंग्लिश में एमए पास था, एजी सिडन। नेक्स्ट देखिए, एमएओ कॉलेज टर्न टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एमएओ कॉलेज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनी? 1920 में बनी थी। एएमयू तराना वाज रिटन बाई, एएमयू तराना को किसने लिखा है?
उसे लिखा है असरारुल हक मजाज, जो कभी एएमयू के स्टूडेंट भी थे। इन्होंने एक नज्म लिखी थी, वो नज्म थी नजरे अलीगढ़, नजरे अलीगढ़। इन्होंने सोच समझ के ये नहीं लिखा था कि मैं अलीगढ़ के लिए मैं तराना लिख रहा हूं, जो बाद में आजादी के बाद एएमयू का तराना बन गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सर सैयद अहमद खान। मैटरनल ग्रैंडफादर यानी के नाना कौन थे? खाजा फरीदुद्दीन अहमद थे, सर सैयद अहमद खान के नाना थे। नेक्स्ट देखिए, बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खान वाज रिटन बाय। बायोग्राफी किसने लिखी है? अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है हयात जावेद के नाम से, हयात जावेद। यह भी याद रखिएगा, यह भी हो सकता है कि पूछ दे, हयात जावेद अल्ताफ हुसैन हाली। सर सैयद कंपोज द पोएट्री अंडर द पेन नेम। सर सैयद शायरी जो करते थे उसमें उनका पेन नेम क्या था? हर शायर शायरी में एक अपना तखल्लुस लगाता है, तो सर सैयद अहमद खान का जो तखल्लुस था, पेन नेम था, वो था आही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर सैयद अहमद खान अर्न द टाइटल ऑफ कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, यानी सर का टाइटल कब मिला था? 1888 में इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर का टाइटल दिया था। नेक्स्ट देखिए, द टॉम ऑफ सर सैयद इज सिचुएटेड एट, कहां सिचुएटेड है? अलीगढ़ के जामा मस्जिद के कंपाउंड में, यानी उसके सेहन में। सर सैयद फाउंडेड अ स्कूल एट गाजीपुर, नाउ ए डेज कॉल्ड, उसे आप क्या कहा जाता है? क्वीन विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता है। सर सैयद ने सबसे पहले 1864 में गाजीपुर में एक स्कूल कायम किया था, जो अब विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15, सर सैयद रोट खुतबाते अहमदिया एज ए रिप्लाई टू द बुक, ये जब इंग्लैंड गए थे तो लॉर्ड विलियम मोयर के बुक का जवाब इन्होंने खुतबाते अहमदिया लिखकर दिया था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ सर सैयद ग्रैंड फादर पैटर्नल, पैटर्नल यानी दादा, दादा का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद हादी। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर तहजीबुल अखलाक वाज स्टार्टेड, तहजीबुल अखलाक कब शाये हुई थी, कब छपी थी, कब इन्होंने शुरू किया था? 1870 को इन्होंने तहजीबुल अखलाक निकाला था। इसका वैसे एग्जैक्ट डेट है 24 दिसंबर 1870 को सर सैयद इंग्लैंड से लौटने के बाद तहजीबुल अखलाक का पहला शुमारा इन्होंने निकाला था। नेक्स्ट तीन क्वेश्चन और देखते हैं तो आपका ये 20 सवाल हो जाएगा। हु कन्फर्ड टू सर सैयद अहमद खान द टाइटल ऑफ सर, किसने? मैंने अभी जिक्र कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर का इन्हें खिताब दिया था, टाइटल दिया था। व्हेन सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड साइंटिफिक सोसाइटी, देखिए अभी जिक्र हम पहले कर रहे थे, यहां पे आ गया 1864। अगर ऑप्शन में 64 ना हो, अगर 63 लिखा हो तो फिर आप इस पे टिक करेंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा। इन विच ईयर सर सैयद अहमद खान डाइड, सर सैयद अहमद खान डेथ कब हुए थे? 1898, एग्जैक्ट डेट जो है वो है 27th मार्च 1898 रात के 10 बजे 10 AM रात के 10 बजे सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हो गया था। तो और यहाँ पे सबका देखिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको अच्छे लगेंगे। आप कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें, इसे शेयर भी करें और कमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसी से मुझे इनकरेजमेंट होता है और इसी से मोटिवेट होकर मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ। इस वजह से कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी करिए, और अगर सर सैयद पे आपने लेक्चर हमारा नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लेक्चर आप जरूर सुन लें। और ये 30 सवाल
ये 30 सवाल जो मैंने ऑब्जेक्टिव दिया उसे कर लें तो उम्मीद है कि आपके सर सैयद पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे सारे आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।